सारे भाई ने फिर सर राम राम भाई। आज एक छोटी सी बहन मिली है, इससे बात कर लेते हैं जर्नलिज्म की ना। जी सर। आज मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगा इधर से। बाबू इसको ना यहाँ पे अटैच कर, नेम कर लेते हैं बस। हाँ, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज है और इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट पाएगी, तो हम बात कर लेते हैं। बाबू कैसी है? बढ़िया। बढ़िया ना। तो क्या चीज़ जर्नलिज्म में कौन सा ये रहा है, क्या कुछ कर रहा हूँ? मैं अभी एमफिल कर रही हूँ। एमफिल? हाँ। मैं भी एमफिल हूँ, मैट्रिक फेल मतलब। एमफिल? अच्छा, ज़्यादा दिमाग लगा लिया ना जर्नलिज्म में, ज़्यादा पढ़ाई कर ली। हाँ, करना तो। कितनी मेहनत करनी पड़ी जर्नलिज्म में? जर्नलिज्म में देखो मेहनत तो बहुत है, चाहे आप टीचर बनिए या फील्ड में काम करिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो ये 24/7 का वर्क है मतलब। और आजकल जो जर्नलिज्म का जो रोल है वो मल्टीटास्किंग हो गया है, उसको रिपोर्टिंग भी करनी है, आके फिर न्यूज़ को लिखना भी है, और फोटोग्राफर भी उसको ही बना देते हैं, पेज लेआउट उसको करना है, तो बहुत बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। क्या किताबी कीड़ा बनना पड़ता है? प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल तो है। अगर वही मैं कह रही थी कि फील्ड में वर्क करना है तो आपकी राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपको आगे टीचिंग में जाना है तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, और फिर कहीं जाके आपको नौकरी मिलेगी। एमफिल से पहले क्या क्या होता है जर्नलिज्म में? पहले बैचलर भी होती है, फिर उसके बाद मास्टर्स भी कर सकते हैं, फिर मास्टर्स के बाद बैचलर के कितने साल की थी बैचलर? बैचलर 3 साल की हमारे यहाँ, फिर 2 साल की। हाँ हाँ हाँ। फिर एमफिल? हाँ, 3 और 2 5। एमफिल में कितने साल? एमफिल 1 साल की हो गई है। 1 साल। और फिर 6 साल। 3 साल PhD करो, फिर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलेगी। उसके लिए नेट वेट भी तो करना पड़ेगा। नेट तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छा एक बात बता बहन, जर्नलिज्म लड़कियों के लिए क्या फ्यूचर है, मतलब कितना सेफ है, कितना अनसिक्योर है, क्या मानते हो इस बात? इसमें लड़कियों के लिए बस एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर रात को काम करना पड़े तो उनके घर जाने की टेंशन, फिर मैरिज वगैरह हो जाए तो आगे प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात है कि लड़कियों को ज़्यादातर या तो एंकर, अगर टेलीविजन में काम कर रहे हैं तो एंकर बनाएंगे, और अगर न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर कल्चरल बीट देंगे, मतलब जो सीरियस पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक इश्यूज है वो नहीं देते। अभी भी मतलब कम दिमाग वाला समझता है लड़कियों इस फील्ड में भी। लेकिन ऐसा है, बायसेस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है? देखेंगे, वो तो अभी कंपटीशन हुआ नहीं ना अभी। ओके। वैसे तो देखो भाई, एम फिल कर रही है बबू, तुम बहुत बड़ी बात है। मैं तो BA में 34% नंबर आया। कई बात। अच्छा, एम फिल जब आपने जर्नलिज्म में किया, पेरेंट्स ने क्या सोचा आपने? नहीं, वो टीचिंग के लिए तो उन्होंने अलाउ कर दिया, पर फील्ड वर्क के लिए उनका थोड़ा सा मतलब वो भी डरे हुए थे। आपका जर्नलिज्म? हाँ, बिल्कुल था। लोगों से पूछना? हाँ, मेरे को इंटरव्यू लेना बहुत पसंद है। मैं भी सोच रही थी कि मैं एक दिन की जगह आऊँ। मेरी जगह? हाँ, और इंटरव्यू लूँ। ना, मैं तो डफर आदमी, मेरी जगह। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जर्नलिज्म में क्या कुछ सीखा आपने, भाई हाँ मेरे पास पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ होगी? तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई है। जो भी हम यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार होता, पढ़ाई का भी काम होता। हाँ हाँ, वर्कशॉप होती, उसके लिए हम लिखते थे। अच्छा। जो बोलते थे तो उसका कवर करते थे तो लिखते थे। और थोड़ा कैमरा शायद कम हो गई हूँ, वैसे तो मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम हो गई हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ तो मैंने अपने अंदर बदलाव महसूस किया है। और क्या चीज़ लगा भाई, हाँ जर्नलिज्म लड़कियों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, इससे आप खुद को भी एक्सप्लोर कर पाते ऐसा हैं। तो नहीं कि भाई मैं तो कोई मिगरी तुम्हें भी ले डूबूं? ना 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 ना, नहीं नहीं, करिए, आप करिए, पूरे मन से करिए। और बहुत सारे स्कोप्स हैं जितने भी आजकल, तो कितने ये सर देखिए मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं। हाँ, तो आपके लिए देखिए कितने सारे कि मोबाइल जर्नलिज्म इज ए मोजो। यस यस, मोजो, शॉर्ट फॉर्म मोजो। हाँ, मैं मोजो हूँ भाई। हाँ, मौज में रहिए, मोजो करिए। तो और जर्नलिज्म के क्या कुछ फैक्ट आपको सामने थे, मतलब कहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ा इतने 6 साल की पढ़ाई में? चुनौतियाँ कहाँ कहाँ आई? चुनौतियाँ बाहर काम करने की आई। बाहर अभी से जाना भी पड़ा कहीं? हाँ, मैं मतलब इंटरव्यू देने गई ना कि मुझे काम करना है यहाँ पे, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आई कि बाहर घूमना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, और मैं तो यहाँ पे डेली अप डाउन करती हूँ, तो मेरे लिए फिर मुझे घर भी जाना पड़ा। मैं जुलाना से आती हूँ। जुलाना से? हाँ। तो जुलाना का मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं, परिवहन साधन में थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं, वो तो ठीक है, चलो ट्रेन का है, लेकिन बस में जाने में फिर दिक्कत होती है। हाँ हाँ। तो शाम को तो कुछ सुधार नहीं हुआ जुलाना में? जींद रोहतक से जुलाना जाते टाइम बस का कुछ? ट्रेन का तो अच्छा है, लेकिन बस सर्विस बहुत खराब है। शुरू से ही है सुना मैंने। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप कुछ करवा सकते हैं तो करिए प्लीज। हाँ, मैं तो क्या पंचर करवा सकता हूँ बसों में।
लोग मेरी बाइक का पंचर कर देते थे कई बार पहले, तो बड़े मुश्किल आती थी। अच्छा, और क्या कुछ होना चाहिए जर्नलिज्म में, बदलाव क्या होना चाहिए, मेन टॉपिक है। सरकार को क्या सोचना चाहिए जर्नलिज्म में, लड़कियों को लेके या नॉर्मली भी? एक तो प्रेशर कम करे, पॉलिटिकल प्रेशर, अगर सरकार ही है तो प्रेशर कम करे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो दे। आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है प्रेशर? अरे नहीं, अगर आप देखेंगे किसी भी न्यूज़ चैनल को देखेंगे, न्यूज़पेपर को देखेंगे, तो आप देखेंगे बायस आ रही है आजकल। अच्छा। मतलब क्योंकि ये नेक्सस हो गया ना, पॉलिटिक्स का, बिजनेसमैन है, इन सब का नेक्सस है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव आता ही है। अब एडवर्टीजमेंट देना ज़रूरी है, अब जहाँ से वो एडवर्टीजमेंट आ रही है उनके बारे में आप लिख नहीं सकते, नहीं तो आपकी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगी। तो रेवेन्यू है वो भी जनरेट करना ज़रूरी है। बहुत ऊपर तक जाएगी, बहुत अंदर की बातें करती है। अरे अरे सर, हाँ। तो और प्रैक्टिकल क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, पढ़ाई कितने दिन होनी चाहिए, कितनी होती है, स्टाफ कैसा है यहाँ का? स्टाफ तो सर अच्छा है, थोड़ा सा बस अगर प्रैक्टिकल नॉलेज और बढ़ाई जाए, मतलब कैमरा वैमरा, एंकरिंग वैंकरिंग, यहाँ पे भी यहीं से ही बच्चों को इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं होती यहाँ पे, आपको दिया नहीं जाता कैमरा वगैरह? नहीं, वैसे तो है हमारा, लेकिन अभी इसका इनॉग्रेशन होना बाकी है, स्टूडियो तो है। अच्छा, तब तक एमफिल हो जाएगी, तब तक अभी तक इनॉग्रेशन नहीं, पर आप जैसे लोगों का सहयोग रहा तो हम करेंगे कुछ। ए बाबू, मैं तो मोबाइल ले रहा हूँ, दे दूंगा तेरे। नहीं, हम। अच्छा, तो सबको लास्ट में अपनी बहनों को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, अगर आप इस फील्ड में आना चाहती हैं तो आइए, मेहनत कीजिए, और कई सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, और आप मतलब ज़रूर ही अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगी। आपको ऑल द बेस्ट। अब ये कुंडी सीधे दे, मेरे को निकाल कर। तो भाई, देखो छोटी सी गुड़िया हैं, मैं तो गुड़िया ही कहूँगा, लेकिन कितनी बढ़िया यार, एमफिल कर ली, तीन साल बैचलर की, फिर दो साल मास्टर, फिर अब एमफिल, पीएचडी की भी बात कर रही है भैया। लेकिन आपको कैसा लगा, हमारी बहनों को ये प्रोग्राम कैसा लगा, उनको जर्नलिज्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस गुड़िया ने जैसे हमें बताया, आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोच के इसका बात का जवाब जरूर दें। धन्यवाद भाई, राम राम।